गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड आनंद बोधेन शिष्य संतापहारिणे परमानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय भगवान श्री सद्गुरु महिमा। शिव अज शुक सन कादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खग नायक एहा करी राम पद पंकज नेहा। योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु जहन राम प्रेम परदानु। हम कितने ही कर्म साधना करें, हम कितने योग जप तप व्रत करें, लेकिन हमारे सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में हमें प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, तो वो सब व्यर्थ है। कितनी साधना करें, जो मुनिवर ब्रह्मत्व को पा चुके हैं उनका भी कहना है कि सबका फल है भगवान के चरणों में प्रेम होना। भरत जी भी तो यही कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं अपने आप को बड़ा आपका प्रेमी मानता हूँ। मैं सोचता हूँ मुझे आपसे बहुत प्यार है, मैं आपके बिना रह नहीं सकता हूँ। लेकिन जब श्रृंगवेरपुर में निषाद राज मिले और वो मेरे साथ साथ चले, मैं तब से उनका प्रेम देख रहा हूँ, तो मेरी वज्र से भी कठोर हृदय मेरा फट क्यों नहीं जाता। बहुरी निहारी निषाद स्नेहूँ पुलिस कठिनुर भयउ न बेहू। तब मैं सोचता हूँ कि मुझे प्रेम है ही नहीं। मेरे भाई बहन हम भी मान बैठे कि हमारे जैसे तो गुरुदेव को चाहने वाले कोई नहीं है। हम ही प्रधान शिष्य, हम ही पट शिष्य, हम ही VIP, हम ही गुरुदेव को ज़्यादा चाहते, हम ही गुरुदेव को समझ पा रहे हैं। नहीं मेरे भाई बहन, वो तो उनकी करुणा है कि उन्होंने हमें दिलाया इतना यश। बाकी प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्हे कोई। प्रेम होता तो सद्गुरुदेव भगवान लीला समेटी तब हमारे प्राण क्यों नहीं निकले। सत्य प्रेम जे राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रियतनु तृणई व परिहरे। हम वो ही आनंद से जिए जा रहे, हमें जैसे कुछ दुख ही नहीं। भले वो हमें संभालते रहे, लेकिन प्रेम क्या चीज है? प्रेम तो व्यक्ति को व्याकुल कर देता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जीने के लिए जीते हैं, तार जुड़ जाता है। आज हम बिल्कुल अनजान, बिल्कुल नए नए भाई बहन जिन्होंने सद्गुरुदेव भगवान का नाम भी नहीं सुना, ऐसे ऐसे भाई बहन का भाव देखते हैं तब हमें लगता है इनके सामने हम तो कुछ नहीं है। कितने भावुक हैं, रो पड़ते हैं, गदगदित हो जाते हैं। सद्गुरुदेव भगवान का चरित्र सुनने को इतने लालायित रहते हैं,
और उन लोगों को किसी भी तरह से सद्गुरुदेव भगवान का विविध प्रकार से अनुभव भी होता। आज मेरे पास दो तीन प्रसंग आए। पोर्टुगल में, फिर गांव का नाम भूल गई, पोर्टुगल में है वो रहते हैं, वहाँ से फ़ोन आया था, लिबनेस या ऐसा कुछ है, गदगदित भाव से कह रहे थे। बोले हम पहले अफ्रीका रहते थे। बोले वो बहन अभी 69-70 साल की, 14 साल की थी जब सद्गुरु भगवान के दर्शन हुए थे। बोले हम 6 बहनें राजकोट में, हमारे पापा के मामा जी हमारे यहाँ, हम 6 बहनें भाई नहीं, वो मामा जी राजदेव परिवार, गुरुदेव के पास उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मेरे भांजे के यहाँ 6 बेटियाँ, बेटा नहीं। सद्गुरुदेव भगवान ने करुणा करी और बोले मेरे यहाँ भाई का जन्म हुआ, मैं पोरबंदर गुरुकुल में तब पढ़ती थी। बोले जब मुझे खबर मिली मैं अति पागल जैसी नाचने लग। फिर बोले मैंने सद्गुरुदेव भगवान को पत्र लिखा कि हे गुरुदेव, हे बापू, आपने इतनी कृपा की है, राम को तो हमारे यहाँ भेजे हैं, पर मैं राम लखन की जोड़ी चाहती हूँ, मेरे दूसरा भी भाई। बोले कि दूसरा भी भाई है मेरे, हम 6 बहन 2 भाई। आज उनके भैया पहले वहाँ लिस्बन, पहले वो भी वहाँ रहते थे, अब भारत देश में आ गए। तो उनका भी सुबह गोवा से फ़ोन आया, वो गोवा में है, और इनका दोपहर में लिस्बन से आया। तो इतने गदगदित होके बोले कि आप हमें याद सारी ताजी करा रही हो बहन, बहुत आनंद आ रहा। वो सद्गुरुदेव भगवान का चरित्र सुनने को इतने लालायित रहते हैं। बोले हमारा जैसे ये आधार बन गया, हम राह देख के बैठते हैं कब शाम हो, कब आज का प्रवचन हमें सुनने को मिले। व्याकुल हो, उनकी वाणी में इतनी गदगदता थी, जैसे भक्ति मार्ग के लक्षण, मम गुण गावत पुलक शरीर गदगद गिरा नयन व नीर। वो सुनते सुनते बोले हम गदगदित हो जाते। तो मेरे भाई बहन इतने साल हुए, इतने दूर रहते हैं, बोले बहन आज भी गुरुदेव हमारे साथ, हमें बहुत अनुभव। अब कहाँ पोर्टुगल, कहाँ लिस्बन, वो कहाँ नहीं है, कहाँ सो कहाँ जहाँ प्रभु ना है। वो इतने में ही नहीं है, सद्गुरुदेव भगवान कहा करते थे मुझे इतनी परिधि में मत मानो, मैं इतने में ही नहीं हूँ। कई बार गूढ़ भावार्थ में अपना व्यापकत्व, अपनी अपरिमित उनका गुरुदेव का व्यापकता हमें वो समझाते थे। सद्गुरुदेव भगवान का प्रभाव स्वभाव हम इतने दिन से शक्तिमती अनुसार दर्शन कर रहे हैं, उन्हीं की कृपा से। फिर बम्बई से भी फोन आया था, बनी वाले ही हैं वो सब, मनर भाई के पिताजी 6 भाई, तो उनका सब परिवार बोरीवली सब रहते हैं। बोले सद्गुरुदेव भगवान का चरित्र सुनने को इतने लालायित रहते हैं, वार्डन रोड जहाँ सद्गुरुदेव भगवान का स्थान है, वहाँ सद्गुरुदेव भगवान का कोई प्रवचन हो तो बोरीवली से दूर है लेकिन सब पहुँच जाते हैं। सब उत्सव में भी वो लोग पहुँचते हैं, यहाँ हर साल आई कैंप में भी वो आखिरी दिनों में वो पूरा परिवार, सब ग्रुप पूरा आता है, सब जैन है लेकिन सद्गुरुदेव भगवान के प्रति पूरे निछावर है, पूरे समर्पित है उसमें। अब जैन भाई बहन के कुछ संस्कार, जो लड़कियां ब्याही हुई तो जवाई राज को इतना सद्गुरुदेव भगवान के प्रति आकर्षण हो न हो, तो एक बहन चारू बहन वो चतुर्थी का पूजन वार्डन रोड पे, तो सुबह जल्दी पूजन और बोरीवली से पहुंचने में देर लगे, जल्दी निकलना था। बोले जाना है अपने को, अपने पति से कहा। बोले मुझे नहीं आना है, बोले जल्दी उठना पड़े, मुझे सोने दे, वो थोड़े रंगीले मिजाज के।
ऐशो आराम, पान मावा तमाकू सब जो भी करते। बोले मुझे नहीं आना, वो नहीं गए। और दूसरे दिन सद्गुरुदेव भगवान स्वप्न में आए कि तुम मेरे पास नहीं आते हो तो फिर तुम मुझे बुलाओगे, तब मैं तुम्हारे घर कैसे आऊँगा। तब से बोले इतने वो हो गए कि कोई भी प्रसंग वो बराबर पहुँच जाते। किस किस प्रकार से सद्गुरुदेव भगवान किस किस को खींच रहे हैं। सरलता, निखालसता हो, अहंकार मुक्त हो जाए, हम कुछ नहीं है। नहीं तो हम कुछ है, हम VIP, हम आगे हैं, हम ही प्रधान शिष्य, इसका भी अहंकार आ जाए। हम कुछ नहीं, जो कुछ है उन्हीं की कृपा का फल है। उज्जैन में फूलचंद जी पोरवाल, मारवाड़ी परिवार, मेरे ख्याल से उनको संतान नहीं थी, बहुत ज़्यादा उनका मुझे मालूम नहीं है। एक बारी मैं मिली हूँ, पति पत्नी एकदम आत्मीय संबंध सद्गुरुदेव भगवान से। आधी रात में भी सद्गुरुदेव भगवान कभी भी उनका द्वार खिटखिटाते, उनके यहाँ रात है। साधारण घर, साधारण झोंपड़ी सा, कोई ऐशो आराम वाली बात नहीं, लेकिन सद्गुरुदेव भगवान इतना अपना तो वो कभी भी वहाँ जाके रुक जाते। ऐसे ही अनंतपुर, बिल्कुल घर, कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई गद्दी तकिए नहीं, सद्गुरुदेव भगवान नीचे भी बैठ जाते। मैंने सुना है कि गांव वाले एकत्रित होकर बैठ जाते, कभी सद्गुरुदेव भगवान उसके साथ चौपाट भी खेल लेते। कितनी अपनत्व, कोल किरात के साथ राम जी जैसे बैठ जाते। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा एन, वचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक बैन। ऐसा व्यवहार सद्गुरुदेव भगवान का, ऐसा अपनत्व। लेकिन वो कैसे मौन है, कहीं आगे आगे दौड़ना नहीं, कहीं दिखाना नहीं। आज आनंदपुर वाले आते ही हैं ना, लेकिन कहीं जैसे वो कुछ है ही नहीं। हाँ, और वो फूलचंद जी और वो तो है नहीं। जब मुझे गुरुदेव भगवान आनंदपुर बुलाकर, वो वृंदावन बुलाए, वहाँ से आनंदपुर होके हम देवास जा रहे थे, तब उज्जैन गए थे। लेकिन उनके यहाँ पहुँचते शाम का करीब समय होने आया था, तो शाम को रास्ते में एक जगह कहीं बाजार भरी हुई थी, गाड़ी रुकवा कर सद्गुरुदेव भगवान ने वहाँ से पत्ता गोभी और मटर लिए। बोले सब्जी ले लो, चालू गाड़ी में अपने गोद में रुमाल बिछा कर, बोले चाकू लाओ। मैं बोली भगवान मैं कर देती हूँ। बोले नहीं तुम बैठो, मैं गाड़ी में पीछे बैठी थी। अपनी गोद में रुमाल बिछा कर खुद ने गोभी अमन्य की। मैंने कहा मटर मैं खोलूँ? बोले बैठो तुम, मैं करता हूँ। सब्जी की तैयारी कर ली। अब कहीं उनको तो मालूम आगे कहाँ जलाशय है, हम तो नए नए कुछ मालूम नहीं, कहाँ गाड़ी रुकेगी, कहाँ के लिए ये सब भाजी तरकारी तैयार कर रहे हैं। और जैसे जलाशय आया, गाड़ी रोक दो बोले। नन्नू महाराज गाड़ी चला रहे थे, वैष्णव दास जी महाराज साथ में थे। गाड़ी रुकवा कर बोले जल्दी से जल्दी खोलो, ये कोयले की बोरी सिगड़ी निकालो, प्राइमस निकालो, प्राइमस का डिब्बा उतार दो, बर्तन की बाल्टी उतार दो। नन्नू महाराज ने ऊपर चढ़ के कैरियर में से सामान खोला, मेरे को बोले जल्दी से प्राइमस चालू कर दो और बाल्टी में से बर्तन निकालो, बाल्टी दे दो नन्नू महाराज को, जाओ पानी भर के आओ। जल आया, भगोनी में सब्जी धोई और प्राइमस तैयार, गुरुदेव ने अपने हाथ से सब्जी छोंक दी। मेरे को बोले सिगड़ी जला दो, सिगड़ी जलाई। इतनी देर में सद्गुरुदेव भगवान में परात में वो जो बाल्टी के ऊपर ढकने का ढक्कन था उसमें आटा निकाल दी। बोले तुम्हें नहीं मालूम कितना आटा चाहिए चार जनों के लिए, मैं निकाल देता हूँ, इतना आटा बना दो। बोले मैं आटा बना रही थी, सद्गुरुदेव भगवान सब्जी देख रहे थे, एक ओर से सिगड़ी को पंखा कर रहे थे, कोई ढक्कन था एल्यूमिनियम का पतला, उससे हवा करके
वैष्णवदास जी महाराज जी को वगैरह को बोले कि तुम ये सब सामान इधर उधर रख दो, उनको ऐसा वैसा कुछ काम बताया। नंदू महाराज को बोले बैठो आराम करो, सब्जी बन रही है, मैं आटा बना रही हूँ। इतनी देर में सद्गुरुदेव भगवान बड़ी बड़ी रोटी बेल दो बोले, और तवा रख दिया सगड़ी पे। सिगड़ी जैसे ही तवा गर्म हुआ, खुद रोटियां सेकते गए, मैं बेल दे देती रही, और बैठे बैठे इधर उधर देख के पत्ते बीन बीन के सींक लगा के दोना बनाए, और नन्नू महाराज को सबसे पहले बुलाकर चार रोटी और दोने में सब्जी देकर बोले उस पेड़ के नीचे जाके बैठ के पालो, बोले जाओ। फिर वैष्णवदास जी महाराज जी को, महाराज जी बोले कि भगवान पहले आप लीजिए, बोले नहीं मैं कहता हूँ करो, चलो तुम भी चालू कर दो। अब सद्गुरुदेव भगवान ने प्लेट उनकी भोजन की, बोले अब मुझे रोटी दे दो। पेड़ के सहारा लेकर और सद्गुरुदेव भगवान रोटी पा रहे थे। अब जो रोटी आटा उसमें पलटन के लिए जो सूखा आटा होता है वो थोड़ा पीछे बच गया, पीछे दो रोटी बची थी वो मैंने बेली। सद्गुरुदेव भगवान भोजन करके सेक रहे थे, मेरे को बोले वो सूखे आटे में ये आटे को मिलाकर और मोटा टिक्कड़ बना लो तुम्हारे लिए। अब उसमें घी तेल नहीं और टिक्कड़ तो थोड़ा चमट हो गया, कड़क हो गया, और एक ओर से गुरुदेव के सामने भोजन करना वैसे ही कांप रहे थे, और सिगड़ी में आँच भी कम हो गई। तो कम आँच पे सेकना घी तेल के बिना थोड़ा कड़क रोटी जल्दी खाई ना जाए। मेरे को बोले अरे तुमसे ये नहीं खाया जाता, देखो मैं खा के दिखाता हूँ। सब्जी भी थोड़ी सी बची थी तो जल्दी जल्दी मैं खाने लगी। तो गुरुदेव बोला देखो ये टिक्कड़ मैं खा के बताता हूँ। दो हाथ से पकड़ के चारों ओर से उसकी किनारी किनारी कोरी रूखी सूखी खा के बीच का हिस्सा बोले लो अब ये तो तुम खाओ, ये नरम है। बोले क्या सद्गुरुदेव भगवान, कौन उनको नाप सकता है, कौन उनको सब पहचान सकता है। इतने में नन्नू महाराज से बोले सिगड़ी ले जाओ, कोयले निकाल के सिगड़ी धो डालो, और कोयले एक कपड़े में या बांध के रख दो, सूखा के ये वापस काम आएंगे। सामान पैक कर दो, बोले तुम सामान बांधना चालू कर दो। इतने बर्तन ले जाओ साफ करके और बाल्टी भर दो। 45 मिनट में बनाया पाया और रवाना हो गए। इतना स्फूर्ति से काम। फिर रात को फूलचंद जी के यहाँ जाके रहे। बोस बोले अब वहाँ कुछ मत लेना, वहाँ सो जाएंगे। खुद अकेले होते तो रास्ते में ही सड़क पे सो लेते, पर हम लड़कियाँ साथ में मैं तो उनके घर गए। जनवरी का महीना सर्दी के दिन, अब नहाने के लिए गर्म पानी वगैरह वो बेचारे करें, उम्र लायक थे, सुविधा हो ना हो, बोले नहीं हम तो आगे जाके स्नान करेंगे, यहाँ नहीं। बोले 4 बजे उठ गए, बोले बैठ जाओ गाड़ी में। किसी भी प्रकार से गृहस्थ को तकलीफ न, बोले साधु वो है जो गृहस्थ को बिल्कुल बोझा रूप न बने। इतना गृहस्थ का भी ध्यान रखते थे सद्गुरुदेव भगवान। हर बात का इतने सरल, इतने सीधे, कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। वो तिलक लगाते थे बहुत अच्छी तरह से, और बिल्कुल भगवान के सच्चे भक्त जिनको कहते हैं। एक बार मैं मिली हूँ उनसे, कई बार सद्गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि मेरे ऐसे ऐसे भक्त हैं जो एक बार मंत्र लेकर चले गए फिर कभी दिखाई भी नहीं देते। कल रात को अमेरिका से भी फोन आया, एक बच्चा अभी तो बड़ा है, कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, वो छोटा था, मैंने बताया वो लोग आनंद के रहने वाले, तो मेरी गोद में भी खेला है। तो मैं हर साल अमेरिका जाती तो उन्हीं के घर रुकती हूँ। इस साल वहाँ जो सत्संग इन दिनों में मई जून में मैं वहाँ रहती हूँ वहाँ होता, वो अब की बार यहाँ हो रहा, तो रोज़ बराबर सुनते हैं। मैंने वो थायराइड की गठान की बात बताई थी, राम रक्षा करे और जल हो भस्म वगैरह, उनकी मम्मी की बात, तो अपनी मम्मी को टीनू बोलता है। तो मेरे को कल रात को फ़ोन आया, टीनू की बात तो आप करते हो, मेरी बात तो करते ही नहीं हो। मैं बोली भाई कौन सी बात, मुझे मालूम है पर भूल गई थी, कितना की याद रहे। करीब
5-6 साल पहले की या 4 साल या 2 साल पहले की बात है। हाँ, अभी पहले साल कॉलेज में है तो 2 साल पहले की बात। जब वो 10वीं पास हुआ तो 12वीं के लिए उसको हॉस्टल में पढ़ने जाना था टेक्सास, जैसे यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, यूपी है राज्य, वैसे वहाँ टेक्सास है, अलग अलग स्टेट है। तो वो टेक्सास से बाहर पढ़ने जाए तो फीस ज़्यादा लगती है। अब गुजरात वाले यूपी में पढ़ने आएंगे तो उसकी फ़ीस ज़्यादा लगेगी, यूपी वाले बिहार में जाएंगे तो फीस ज़्यादा लगेगी। और वहाँ 12वीं तक तो फ्री में गवर्नमेंट पढ़ने को बच्चे को पढ़ाती है, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद तो बड़े बड़े मुश्किल में आ जाते हैं कि बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा फीस होती है। तो उसको टेक्सास में शहर है वहाँ का कैपिटल ऑस्टिन, वहाँ वो रहते हैं, और डेलास गांव, वहाँ वो हॉस्टल में 12वीं तक पढ़ा। लेकिन अब मेडिकल कॉलेज में जाना है तो 20-25 जगह उसने एप्लीकेशन की कि कुछ मार्क्स उसके कम थे और मुझे मेडिकल में एडमिशन मिलेगा कि नहीं, वो चिंतित था। तो बहुत जगह कि कोई साधारण जगह भी मुझे मिल जाए पर एक बार मुझे मेडिकल में तो पहुंचना है, वो चिंतित था कि और राज्य में मुझे एडमिशन मिलेगा तो 3 गुना फीस लगेगी, मम्मी पापा के पास इतनी सुविधा हो ना हो, मुझे बहुत ज़्यादा लोन लेनी पड़ेगी। तो मेरे को बार बार वो कहा करता। अब वो स्कूल में वहाँ का वातावरण ऐसा है, ऐसी फ्रेंडशिप है सबकी, तो उसकी असर तो होती है संघ की। तो उसकी मम्मी ने कहा, बहन ये नॉनवेज भी खा लेता है और ऐसी ऐसी नॉनवेज वाली सैंडविच खा लेता है, तो इसको राम नाम का मंत्र दे दो आप और उसको बंधन में डालो कि भाई देखो ये चीज़ नहीं खाना। और वहाँ उसको समझ में आए ना आए, वहाँ भी मैं हिंदी में ही बोलती हूँ क्योंकि केवल गुजराती लोग तो आते नहीं है वहाँ, हर तरह के इंडियन सब माने जाते हैं, सिंधी, पंजाबी, बंगाली, महाराष्ट्रियन है, मारवाड़ी है, साउथ इंडियन है, सब आते हैं प्रवचन सुनने। तो इसको हिंदी टूटी फूटी जितनी समझ में आती, रोज़ उसकी मम्मी बिठाती उसको, वो सुनता रहता। कभी कभी कोई बात को ऐसे वो पकड़ लेता था, फिर उसको राम नाम का मंत्र दिया। मैंने कहा बेटा एक ही माला करना पर रोज करना, और आज के बाद एग, नॉन वेज वगैरह तुम नहीं कुछ खा सकोगे, प्रॉमिस किया उसने। मन का एक बार हनुमान चालीसा का पाठ किया करना, तुम छोटे हो और ज़्यादा नहीं। रोज भगवान के पास, उसके मेरे पास मूर्ति मंगवाई थी, सीताराम जी, लखन जी, हनुमान जी, मार्बल की, जयपुर से मैं लेके गई, बहुत संभाल के ले जाना पड़ता है। तो वो सुंदर मंदिर बनाया उन्होंने, रोज सब कोई अपना अपना दिया अपने आप लगा लेते हैं, सब अपनी अपनी सेवा पूजा और हनुमान चालीसा, राम रक्षा वगैरह सब जिसको जो करते हैं। तो ये जब हॉस्टल में जा रहा था, मेरे को किसी ने चांदी की सीताराम जी और पास में हनुमान जी बैठे हुए मूर्ति दी थी, तो मैंने उसको वो भेंट कर दी। मैंने कहा बेटा ये साथ में रखना, और सद्गुरुदेव भगवान की फोटो दी। मन का ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। इतना सुंदर उसने व्यवस्थित ढंग से हॉस्टल में अपने कमरे में वो पूजा को व्यवस्थित करके रोज बोले मैं हनुमान चालीसा करता हूँ, जप करता हूँ, का बहुत अच्छी बात है। खाना पीना उसका सुधर गया, अपनी वो ध्यान रखता बराबर। अब 12वीं में भी उसको कुछ मार्क्स कम थे तो चिंतित था, 20-25 जगह एप्लीकेशन दी। अब एक के बाद उसके कॉल आने लगे, लेकिन दूसरे स्टेट के, तो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था कि बहन मुझे टेक्सास में चाहिए। मैंने कहा देखो अभी तो देर है कॉलेज खुलने को, और 2-3 महीने का टाइम था उसकी फ़ीस भरने में और अपने को कॉलेज नक्की करने में कि जहाँ तुम जाओगे वहाँ की फ़ीस 2-3 महीने बाद भरनी है। तो मैंने कहा कि आने दो, जहाँ से कॉल आते हैं राह देखते रहो, सद्गुरुदेव भगवान को प्रार्थना करो, बराबर सबकी सुनते हैं। बहुत भाव से, भोले हृदय से प्रार्थना करता रहता बच्चा।
अब आखिरी दिन उसकी मम्मी इतनी चिंतित, मेरे पास दो तीन बार फोन आ गया, बहन अब तो आज टेक्सास के तो तीन चार जगह के कॉल आए, लेकिन इसको जिस यूनिवर्सिटी में जाना है ह्यूस्टन की, वहाँ का अभी तक कोई कॉल नहीं आया, तो इसके कारण ये बच्चे अपसेट हैं। मन का देखो संतोष मानो, कम से कम टेक्सास का तो कॉल आ गया ना, और अभी जब तक लास्ट समय पे एकदम आखिरी क्षण पे ऑनलाइन पे आप तुरंत फ़ोन करके फीस भर दोगे, वहाँ तो सीधे बैंक में से ट्रांसफ़र हो जाती है। तो मैंने कहा कि फीस भरने में जल्दी मत करो, आखिरी क्षण तक राह देखो, हो सकता है भगवान कृपा करे और आ जाए। और वो दिन तो उनका कुछ बीता एक एक क्षण मुश्किल से, और जैसे कुछ 15-20 मिनट उसको फीस भरने में, कॉल करने में, ऑनलाइन करने में बाकी थे, और उस यूनिवर्सिटी से उसका कॉल आ गया। आज वो वहाँ एक साल हो गया, तो अभी उसका रिजल्ट आया, इसलिए उसका फ़ोन आया था कल रात को। बहन एक साल पूरा हुआ, अब तो और कठिन कठिन पढ़ाई है। मैंने कहा बन जाओ डॉक्टर और सेवा कार्य। बोले गुरुदेव की इतनी सेवाएं हो रही है ना, मुझसे हो सका तो मैं वहाँ आके सेवा करूँगा। मैंने कहा कि भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करे। तो सद्गुरुदेव भगवान कहाँ नहीं है, किसकी नहीं सुनते हैं, किसकी बात नहीं रखते, जिसका जैसा भाव, जिसकी जैसी आस। देवास से जब मैं निकल रही थी तो मैंने बताया था, गुरुदेव ने अचानक बोले मुझे भूख लगी है, तो अदरक नमक रोटी पाए, वो ढक्कन पे रोटी सेक के, तब सद्गुरुदेव भगवान मेरे को बोले कि मान लो अभी तो एक ढक्कन भी है, सिगड़ी भी है, तुमने इस पे रोटी सेक के मुझे खिलाई, मैं तुम्हें कहीं और जगह जंगल की ओर ले जाऊँ, तुम्हारे पास एक भी साधन नहीं है, और मैं कहूँ कि रोटी सब्जी बना दो, तो तुम क्या करोगे? मैंने कहा भगवान सब्जी किस में छोपूं, एक बर्तन तो चाहिए। बोले यही तो बात है, एक भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। बोले देखो मैं बताता हूँ, कोई नदी तालाब अपना जाना हुआ, झरना बह रहा हो, वहाँ चले जाओ, बाजार से आलू बैंगन मिलते हैं खरीद लिए। बोले आटा पास में है, एक पत्थर अच्छा सा ढूंढ के हाथ से पानी डालते जाओ, घिस घिस के धो डालो, उसी पत्थर पे आटा बना लो, पत्थर चुन चुन के तीन चार ऐसे बड़े रख के चूल्हा बना लो, लकड़ियाँ चुन चुन के लाओ और उसमें चूल्हा जलाओ। वो आटे से बोले हाथ से टिक्कड़ थेप थेप के ऐसे बना लो बोले, और वो लकड़ियाँ जलती उसके चारों ओर ऐसे रख दो बोले सेकने के लिए, और आलू बैंगन वो जल में धो के घिस के वो भी सेकने के लिए रख दो। मैंने कहा फिर उसको पलटाना हो तो चिमटा? तो बोले चिमटे क्या जरूरत, दो डंडी ले लो, दो डंडी से उसको ऐसे उल्टा सीधा करते चलो। और बोले आलू बैंगन सिक जाए, छिलका उतार के नमक डाल लिया, और इतने में पत्ते बीन के पत्तल दोन पत्तल बना ली बोले, उस पर वो टिक्कड़ और सब्जी बन गई कि नहीं आलू बैंगन की, पा लिए बोले, एक बर्तन की भी आवश्यकता नहीं होती। क्या क्या सद्गुरुदेव भगवान सिखाते हैं। अब शहर में रहने वाले, ऐसे घर में रहने वाले, क्या ऐसी बातें सूझती है, ऐसी कल्पना भी हो सकती है? बोले ये हमारा साधुशाही भोजन होता है, हम ऐसे ही तो जीवन जीते हैं। बोले तरह तरह की बातें सीखने को मिलती है। एक बार मूंग की दाल बनी मोगर, तो हमारी माँ कहती थी कि थोड़ा उबल जाए, उसके झाग वगैरह निकल जाए, बाद में हल्दी नमक डाला करो, पहले नमक वगैरह डाले तो फिर दाल जल्दी गलती नहीं है। अब वही हिसाब से हम सीखें, अब वो दाल उबलने लगी, गुरुदेव आए बोले ये क्या अभी तक इसमें हल्दी नहीं छोड़ी? मैं कुछ बोली नहीं। बोले कुछ आता नहीं तुमको, हल्दी कच्ची रह जाएगी, पहले ही हल्दी छोड़ देनी चाहिए, हल्दी पक जाती है। बोले तुम लोग तो केवल उसकी भोजन का केवल देखाव और उसका रंग रूप देखते हो, पाक शास्त्र की तुम्हें कहाँ मालूम है कि कैसे बनाना चाहिए। बोले आलू या भिंडी छोंकनी हो तो मेथी से छोंकनी चाहिए,
बोले उससे वायु होता है तो मेथी से वो नहीं होता, मेथी का छौंक लगाना चाहिए। सभी कला में निपुण है, चाहे संगीतज्ञ संगीत का हो, पाक शास्त्र का हो, साधना का हो, उनसे क्या चीज अंजाम, जैसी व्यक्ति उसको सब सिखाते। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान की प्राप्ति के हेतु उनके साथ रहने को कुछ कुछ तो विघ्न तो आते हैं। कल हमने भरत जी के जीवन में प्रभु दर्शन करने की यात्रा प्रारंभ की और 5 विघ्न कुल आए तो हम 3 विघ्न तक पहुँच गए। एक नियम विघ्न, दूसरा समाज की ना समझ, श्रृंगवेरपुर में उनके लिए गलत समझ की। तीसरा एक महान ऋषि भरद्वाज जी द्वारा उनकी कसौटी कि सच्चा प्रेम है या भोग विलास में फंस जाते हैं, लेकिन परम प्रेम में जो रंग गए उनको बाह्य चीज कोई असर नहीं करती। इतनी सुंदर रिद्धि सिद्धि से उनके लिए भौतिक सुख सुविधा व्यवस्था की थी किसी चीज की, और भरत जी ने देखा तक नहीं। वहाँ तक हम देखे थे, थोड़ा दर्शन किया था। भरद्वाज जी के आश्रम से भरत भैया आगे निकले, लेकिन देवी विघ्न इंद्र घबरा गया। हम देवताओं का कार्य परमात्मा कैसे कर पाएंगे, प्रभु तो प्रेम के बस में है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना प्रण टले टल जाए भक्त का प्रण नहीं टलते देखा। इतना प्रेम है भरत जी को, जब ही राम कही ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पास। गहरी सांस लेके राम बोलते हैं तो चारों ओर पत्थर पिघलने लगते हैं। इतने प्रेम के आधीन प्रभु हो जाएंगे और अयोध्या वापिस लौट जाएंगे, राक्षसों का विनाश कैसे होगा, हमारा देव कार्य कौन करेगा। देवी विघ्न वो विघ्न करने को तैयार हुए, प्रार्थना करते मनोमन, हे प्रभु, हे गुरुदेव, अपने गुरुदेव शुक्राचार्य बृहस्पति जी को राम ही भरत ही भेंट न हुई, ऐसा कुछ संजोग करो कि राम और भरत की मुलाकात ही न हो। आए देव सदा स्वार्थी, दिग्जीवन देव शरीर धरे तव भक्ति बिना भव भूली परे। देवता लोग स्वार्थी, अपने स्वार्थ के लिए भरत जी इतने रो रहे हैं, लेकिन विघ्न डालने को तैयार हुए कि इनको राम की मिलन ही न हो। ये चौथा विघ्न, तब बृहस्पति गुरुदेव उनके उनको फटकारते, तुम्हें कुछ अक्कल है, सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाही न काऊ, जो अपराध भगत कर करें राम रोष पावक सो जरे। पूरी दुनिया जिनका नाम जपती है राम राम राम, वो परम कृपालु परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक भरत जी का नाम जपते हैं। भगवान श्री राम जी के हाथ में माला देखकर किसी ने पूछ लिया, प्रभु आप किस नाम का जप करते हो। भरत सरीस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जी। ऐसे भरत भैया और ऐसे भरत जी को विघ्न करना। सुनो सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। यद्यपि सम परमात्मा समत्व रखते हैं, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गह ही न पाप पुण्य गुण दोषु, तदपि करें सम विषम विहारा, भक्त भक्त हृदय अनुसार। सोचो जरा इंद्र, राम सदा सेवक रुचि राखे। भगवान तो अपने भक्त की अपनी सेवक की रुचि अनुकूल चलते। ऐसे भरत भैया, रामचरितमानस जी में 2 ऐसे महान पात्र हैं जिनको भक्त शिरोमणि का पद मिला है। भक्त तो बहुत है लेकिन भक्त शिरोमणि कम है, 2 ही है। नाम जपत प्रभु कीन्न प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। नाम महिमा में ये चौपाई है बालकांड।
नाम जपने से बाल्यावस्था से प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि नाम के प्रसाद से बने, और भरत भैया भक्त शिरोमणि भरत ते जनि डर पै सुरपाल, राम भक्त पर हित निरत पर दुख दुखी दयाल, भक्त शिरोमणि भरत ते जनि डर पै सुरपाल। गरुड़ जी के लिए भक्त शिरोमणि लिखा, लेकिन साथ में ज्ञानी शब्द लगाया। 61वां या 62वां दोहा उत्तरकांड का, ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति करियान, ताही मोह माया प्रबल पामर करहिं गुमान। क्योंकि ज्ञानी को थोड़ा अहंकार हो ही जाता है। जिस जिसने जो ज्ञानी है अपनी बुद्धि का बल लगाया, वो सब मोह में डूबे मोहित हुए। सद्गुरुदेव भगवान के लिए भी यदि हम अपनी बुद्धि का बल लगाएं तो हम उनकी दिव्य लीलाओं को समझने में मार खा जाते हैं, हम मोहित हो जाते हैं। उनको समझ ना पाना उनकी कृपा के बिना कौन समझ सकता है। अरे विधि हरि शंभु न चावनिहारे, तेउन जाने मर्म तुम्हारा और तुम्हें को जाननिहार, कौन जान सकता है। अद्भुत उनकी लीला है, अद्भुत उनके कार्य है, अद्भुत उनकी रक्षा है, अद्भुत उनका स्वभाव है, अद्भुत उनका प्रभाव। सद्गुरुदेव भगवान कभी कहा करते थे, देखो तुम लोग तो मेरे सामने भी जवाब दे देते हो। हम कभी श्री पतित पावन जी भगवान के सामने आँख उठाकर देख नहीं सकते थे। महू सने संकोच वश सन्मुख कहू न बैन, दर्शन तृप्ति न आज लगी प्रेम पिया से नैन। बोले हम आँख उठा के ठीक से दर्शन भी नहीं कर पाते थे। और सद्गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि वास्तविकता सत्य को पाने के लिए निश्चित दूरी आवश्यक है, अति निकट रहने वाला भी नहीं समझ सकता है और बहुत दूर रहने वाला भी नहीं समझ सकता है। कहावत है दिए के नीचे अंधेरा, अति निकट रहने से दोष दृष्टि हो जाती है। हम उनको सहज मान बैठते हैं। विरह जरूरी है, विरह से प्रेम बढ़ता है। अब कई लोग पूछते हैं कि भगवान के चरणों में प्रेम चाहिए, हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, लेकिन हमें चाहिए जितना प्रभु के चरणों में सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रेम नहीं बढ़ रहा है, तो प्रेम बढ़ाने के लिए हम क्या करें। प्रेम स्वरूप प्रेममय साक्षात भरत जी, उनका चरित्र सुनो, मानस जी में सभी उत्तर मिल जाते हैं। भरत चरित्र करी नेम, तुलसी जे सादर सुनहीं, सी राम पद प्रेम अवश्य होय भवर स्वीर्ति। निचोड़ दिया अपने आप को भरत जी ने, पुलक गाती है सी रघुवीरु, जीह नाम जपी लोचन नीरु, अखंड नाम जप चालू है। हृदय सिंहासन पर सीताराम जी, हम सीताराम जी सद्गुरुदेव भगवान को अपने हृदय सिंहासन पर स्थापित करें और सतत उनके दिए हुए मंत्र का जाप करते रहें, प्रेम बढ़ेगा, रोंटे खड़े हो जाएंगे। नाम प्रेम बढ़ाता है और अनेक जन्मों का पुण्य, वो पुण्य का फल है प्रभु चरण में प्रेम होना, उनके नाम में प्रेम होना। नाम नाम ही अलग नहीं है, वेद पुराण संत मत ये हूँ, सकल सुकृत फल नाम सनेहूँ, सकल सुकृत फल राम सनेहूँ। अनेक जन्मों का पुण्य हमें प्रभु के चरणों में सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रेम बढ़े, वो प्रेम के अधीन होकर खींचे चले आते हैं, हम प्रेम से पुकारें। कितना जप की जरूरत नहीं, एक बार नाभि की गहराई से एक बार पुकारें, बारिक राम कहत जग जेऊं, होत तरण तारणते, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरे नरभव सिंधु अपारा।
नाभि की गहराई से पुकारे एक बार गुरुदेव, वो नहीं रह सकते। हम दीन है प्रभु, आपकी शरण में आए। हे गुरुदेव, आपके सिवा हमारा कोई आधार नहीं। वो तुरंत ही द्रवित हो जाता, वो दीन शब्द नहीं सुन सकते। काको नाम पतित पावन, जग के ही अति दीन प्यारे, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवो सो श्री भगवान। ऐसे ही सद्गुरुदेव भगवान दीन बंधु है, दीन दयालु है, दीना नाथ है। वो दीन के आधार, हम उनकी शरण चले जाएं। मेरे भाई बहन, ये बात करीब 6 साल पुरानी। वो कल रात को अमेरिका से दूसरा भी फोन आया, तो ये बच्चे की बात तो 1-2 साल पुरानी, लेकिन ये घटना घटी वो 6 साल हो गए। उन्होंने मुझे ऐसे बताया, अभी बहन याद दिलाने आई। 6 साल पहले करीब 10 साल से मेरे 10 साल के वीज़ा थे, अब की बार पूरे हो गए तो फिर रिन्यू करवा लिए, 10 साल के फिर मिल गए, लेकिन इस साल तो जाना ही नहीं हुआ। तो 10 साल से मैं जाते जाते, मैं उनके यहाँ भी जाती थी, वो वॉशिंगटन में रहते हैं। वॉशिंगटन से करीब 1.5-2 घंटे का रास्ता है वॉशिंगटन DC से। ल्यूरे केव्स, बड़ी बड़ी गुफाएं हैं वहाँ, उनकी मोटेल है। हमारे गांव के पटेल है वो, तो मैं उनके यहाँ जाती थी। अब वो तभी तभी अमेरिका रहने गए थे, तो उनके पास साधारण सी गाड़ी थी, लेकिन हमें घूमने के लिए जाना था जहाँ डॉलर छपते हैं ना, वो टंकशाल कहते हैं अपनी भाषा में, और इंग्लिश में ट्रेजेडी, ऐसा कुछ ना जाने क्या कहते हैं, हाँ। तो वो देखने गए थे हम, तो उनके साढ़ू भाई की नई बड़ी गाड़ी लेके गए थे। अब चला तो रहे थे यही भाई, लेकिन भाई नए नए गए हैं, और वहाँ तो सब इंश्योरेंस की बहुत खिटपिट सब होती है, तो इनके नाम की गाड़ी तो थी नहीं, उनके साढ़ू भाई की, और एक्सीडेंट हो तो फिर उनको इंश्योरेंस वगैरह वो सब लफड़ा रहता है। अब हम वो देखकर वापस लौट रहे थे, इतने पहाड़ी रास्ता था, बहुत ही ऐसे टेढ़े मेढ़े घूम घूम के गाड़ी चल रही थी। तो उतरने की जगह थी, गाड़ी उतरते उतरते ना जाने वो जगह ही ऐसी होगी, या तो कुछ ऑयल गिर गया होगा, पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी फिसलते फिसलते इस ओर तो थोड़ी गहरी खाई, इस ओर पहाड़ पे चढ़ने लगी, और सीधी ऐसे खड़ी हो गई, और थोड़ी ऐसे होती तो उलट जाती गाड़ी, उलट के ना जाने क्या होता। आगे पीछे गाड़ियाँ आए वो और भी टकराए, वहाँ एक्सीडेंट होते नहीं हैं, और होते हैं तब एक साथ में 5-25 गाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाते। उनका बेटा तो इतना घबराया, पापा 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 जोर से चिल्लाए। उसी वक्त मेरे को उन्होंने जबरदस्ती, सुबह से आपने कुछ लिया नहीं, नाश्ता ले लो, तो कागज की प्लेट में सेव मुरमुरे वगैरह में सब उड़ गया कर गया। लेकिन कैसे वो गाड़ी ऐसे हो गई, और कैसे आराम से नीचे उतर के खड़ी रह गई हम, और मेरे मुंह में तो पापा पापा तो आता नहीं, हे गुरुदेव हे भगवान, सद्गुरुदेव भगवान। और जैसे ये गाड़ी खड़ी रही, पीछे दूसरी आई, वो गाड़ी गोल 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 3-4 चक्कर घूमने लगी वहीं पर। हमारी गाड़ी भी 1-2 चक्कर घूम के खड़ी रह गई थी, अब वो 3-4 चक्कर घूमे, और वो यदि इससे टकरा जाती, क्योंकि वहीं खड़ी थी ये गाड़ी, तो भी फिर एक्सीडेंट हो जाता। लेकिन बहुत भारी एक्सीडेंट में से हम बच गए। वो लोग भी रोज प्रवचन सुनते हैं वहाँ अमेरिका में, तो कल रात को फ़ोन आया कि बहन, यहाँ के एक्सीडेंट की बात तो आपने बताई नहीं। मैं बोली भैया याद नहीं है रही मेरे को, तो कल रात को बात चल रही थी तो इनको याद आ गई। ना जाने किस रूप में आप कहाँ कहाँ आते हो, कहाँ कहाँ हमारी संभाल लेते हो, कहाँ कहाँ हमारा ध्यान रखते हो। सद्गुरुदेव भगवान के जितने गुणगान गाए, जितनी महिमा हम गाए सुनाए, उतनी कम है भाई बहन।
भरत भैया चतुर्थ विघ्न में से, देवी विघ्न में से पास हो गए। बुद्धि का काम नहीं है। माँ सती जी बुद्धि से चली, मोहित हो गई। गरुड़ जी बुद्धि से चले, जो नागपाश में बंधन में आ गए। मैंने जिनको बंधन से मुक्त किया, जीव मात्र को बंधन से कैसे मुक्त करेंगे, मोहित हो गए। नारद जी अहंकार हो गया काम विजेता का, एक बार नहीं तीन बार अहंकार काम विजेता का। दूसरी बार मेरी प्रशंसा विष्णु जी को मालूम हो गया, मैं शिव से आगे निकल गया, चले हृदय अहमिति अधिकार। तीसरी बार रूप का अहंकार, मुझे परमात्मा ने अपना रूप दे दिया। तीन तीन बार अहंकार, तब फिर भगवान भक्त के हित के लिए हमें भी अहंकार आता है, तब सद्गुरुदेव भगवान नाच नचाते हैं हमारे कल्याण हेतु, हमारे हित के लिए। और एक अवगुण आया तो उसके पीछे सारे अवगुण खींचे चले आते। अहंकार आया, विश्व मोहिनी में फंसे, लोभ लालच हुआ, मैं त्रिलोकीनाथ बन जाऊँगा, इन्हीं से ब्याह करूँ, कामना जगी, कामना पूरी न होने पे क्रोध आया, क्रोध के कारण विवेक न रहा, विवेक न हीन हो जाने से भगवान को न कहने के शब्द कह दिए, गिन गिन के कितनी बातें सुना दी, श्राप दे दिया। तो ये सारी आसुरी वृत्तियों की श्रृंखला एक अहंकार के कारण। सद्गुरुदेव भगवान भी हम ही प्रधान है, हम ही कुछ है, ऐसा अहंकार आने पे हमारी हित के लिए कभी नाच नचाते भी है। भरत जी प्रभु दर्शन के लिए आगे बढ़े। सबके जीवन में सद्गुरुदेव की प्राप्ति के हेतु भी हमारे जीवन में ऐसे ऐसे विघ्न आते हैं, किसी के दिखाई देते हैं, किसी के नहीं दिखाई देते, कितनी कितनी बाधाएं आती हैं, लेकिन वो ही उनमें से उबारते हैं। जेही बांधियो सोई छोरे, वही हमें इस माया में, इस मुश्किल में, विपत्तियों में अनुभव कराने के लिए, हमारे अहंकारों को तोड़ने के लिए, हमारे हित के लिए, और वही हमें उबार लेते। पांचवा विघ्न खून का रिश्ता, आत्मीय व्यक्ति, अपनत्व लखन भैया गैर समझ कर ली, ना समझ कर ली, भरत जी के लिए ना समझ कर ली। विषयी जीव पाए प्रभुताई, मूड मोहवश होई जनाई, कह लगी सही रही मन मारे। हे प्रभु, सेवक को स्वामी के सामने बिना पूछे कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन स्वामी पर मुसीबत हो, आपत्ति आए, तब उसे बिना बोले भी उनको राह दिखानी चाहिए। आप तो अपनी भांति सबको सरल समझते हो, लेकिन आखिर ये कैकेयी का बेटा आज भावावेश में वीर रस जाग गया। मेरे हाथ में भी, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरे हाथ में भी शस्त्र तैयार। मिलने के लिए आते तो अकेले आते, चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर आने की क्या आवश्यकता थी। आज मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, भावावेश में राम दुहाई ले ली। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारोरन राम दुहाई। अच्छा हुआ आकाशवाणी हुई, उनकी वीरता को बिरदाया गया, धन्य हो लखन जी, लेकिन सहसा करी पाछे पछिताही। उतावली में कदम मत उठाओ। भगवान श्री राम जी आकाशवाणी सुन के प्रसन्न, धन्य हो लखन तुम्हारा भाव प्रेम वीरता, लेकिन भयउ न भुवन भरत सम भाई। भरत न होई न राज मदा, विधि हरि हर पद पाए, कबहू की कांजी सिंकरनी शीर सिंधु बिन शाय। तब राम जी साथ में है तो उनको समझाए, आज सद्गुरुदेव भगवान लीला समेट ली, साथ में नहीं और कोई ऐसे मारने को तैयार हो जान, ऐसे बड़े विघ्न आ जाए तो अंतरिक्ष में वो संभाल लेते हैं। मुश्किल तो आती है, अवश्य ऐसी घटनाओं में से निकलना पड़ता है। क्या क्या विघ्न सामने आते हैं,
तो मेरे भाई बहन हम हमारे लक्ष्य की प्राप्ति की ओर चलें, लेकिन लक्ष्य से बाहर ना निकले, लक्ष्य को छोड़े ना, हमारे जीवन में दृढ़ संकल्प लेकर सद्गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलते रहे, उन्हीं की कृपा से वही संभालते रहेंगे, वही हमारे रक्षक हैं, हम अपने लक्ष्य में उत्तीर्ण हो सकते हैं। बाकी हमारी शक्ति की बात नहीं है, कृपा साध्य रघुनाथ है, साधन एक निमित्त, समय पूरा हुआ। जय सिया राम, जय भगवान।